पचमढ़ी में बीजेपी की चिंतन बैठक जारी है, जहां जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, सीएम राय स्कूल, जनजीवन मिशन जैसी योजनाएं इसमें शामिल होंगी। अगले 1.5 साल का रोड मैप तैयार किया जाएगा इस बैठक के जरिए। मंत्रियों के साथ सीएम 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पचमढ़ी में बीजेपी की चिंतन बैठक चुकी जा रही है। मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। तो जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा जो है वो होनी है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, सीएम राय स्कूल, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं पर चर्चा जो है वो शामिल होगी। आपको बता दें कि रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, बैठक चल रही है, बैठक के अंदर से क्या जानकारी लग पा रही है, क्या तस्वीर अभी? देखिए, बैठक की बड़ी बातों की बात की जाए तो सबसे अहम तो ये है कि बैठक है, खुले आसमान के नीचे है, टेंट लगाया गया है और मैदान के बीच ये बैठक जारी है और इसमें किसी तरह का एसी का उपयोग नहीं किया गया है। ये जो बैठक करने का तरीका है, इसके संकेत हम समझे, यानी सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं मंत्रियों को मैसेज है कि अब 2023 की तैयारियों के तहत जो जुटना है, किस लिहाज से जुटना है, किस तरह से काम करना है और वातानुकूलित नहीं चलेगा, ये सीधे तौर पर इस बैठक में एक मैसेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर हम बैठक में चर्चाओं की बात करें तो जो चर्चा है वो हर विभाग के मंत्री से और जो मंत्री समूह गठित किए गए थे 14, उन तमाम विषयों पर 1-to-1 चर्चा होगी और सामूहिक चर्चा भी होगी। जी राकेश, अब पूरी तरीके से कमर यहाँ पर बीजेपी ने कस ली है और ये इस तरीके से इसको समझा जाए कि अब 2 दिन बाद, चूंकि 2 दिन तो ये बैठक चलेगी, लेकिन 2 दिन बाद अलग से थोड़ा मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, वहां की रणनीति देखने को मिलेगी। देखिए बिल्कुल, मंत्रियों को जिस तरह से जो बैठक में एक सूचना दे दी गई है कि अब मंत्रियों को किस तरह से काम करना है, घरों में नहीं रहना है, बाहर निकलना है, लेकिन बाहर निकलकर एसी से बाहर आना है, ये सीधे तौर पर ये बैठक में संकेत है मुख्यमंत्री का। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि पूरी जो बैठक का जो रोड मैप है वो 2023 के लिहाज से तैयार किया जा रहा है और जब 2023 की बात होगी तो सीधे तौर पर जो हम समझते हैं मध्य प्रदेश की सरकार को, वो योजनाओं पर बात होगी। फोकस इस बात को लेकर है कि जो वर्तमान में तमाम योजनाएं चल रही हैं वो तो संचालित रहे, लेकिन कुछ नई योजनाएं भी सामने आए, अस्तित्व में आए, कुछ नवाचार हो, तो पूरा मंत्र है नवाचार को लेकर है और क्या नया कर सकते हैं, इस विषय को लेकर फिलहाल बैठक में चर्चा का दौर जारी है। ठीक है राकेश, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।